तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 3-4 मुंह का चबाया है। अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। ये है शादीपुर। गांव का नाम तो शादीपुर है, मगर शादियां नाम मात्र ही होती है, और जो होती है वो उन लड़कों की होती है जिनके बहने हो, यानी लड़की के बदले लड़की, यानी आटो साटो। घर में जो काम अक्सर बहुएं करती है वो इस गांव में अमूमन कुंवारे लड़कों को ही करना पड़ता है। इसी गांव में रहते हैं चौधरी हरकाराम। सब चीजों की ठाट बाट है, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, फिर भी इनके दोनों लड़के अभी तक कुंवारे हैं। बहन जो नहीं है बेचारों के, पर हरकाराम की एक ही जिद है, जब तक इनके घर में बहू नहीं आ जाती वे अपने नए घर में नहीं, इसी पुराने मकान में रहेंगे। और ये है हरकाराम का बड़ा लड़का निहाल। सिवाय आवारा गर्दी के इसका कोई काम नहीं। महाशय शादी के सपने देखते देखते 30 के घर में आ गए हैं, फिर भी बहू अभी तक घर नहीं आई। और ये है इनका लंगोटिया यार पाला। हमेशा इस खुशफहमी में रहता है कि निहाल के साथ अगर रहा तो एक न एक दिन शादी जरूर होगी, इसलिए
जुगलबंदी साथ ही रहती है। लड़की तो अब की बार फाइनल कर लेगी जी। फाइनल कर लेगी? हाँ। अच्छा, हमारा न्यायालय ने देखे बिना ही फाइनल कर लेगी। बड़ा ही अच्छा संस्कार दिया जी। बाकी तो आज का लगा छोरा छोरी एक दूसरे ने देख नहीं ले, दो बातें नहीं कर ले, फाइनल ना जी ना सवाल ही कोनी। हरिका राम जी, आप समझे को नहीं? हरिका राम जी, हाँ वही वही हरिका राम, हरिका राम, हरिका राम, हरिका राम जी, आप समझे को नहीं? मैं समझिया जी, समझिया। एक आया कौन हमारे न्यायालय में है, छोरिया छाप रही तो इतनी इज्जत करे जी के गर्दन नीची करके निकल जाए। बस आई संस्कार के कारण पूरो गांव हमारे न्याल के पीछे रहे। सारे दिन आवे कदे आज थारो न्यालो इया कर दियो, आज थारो न्यालो इया कर दियो, आज थारो न्यालो ओ कर दियो, सुन सुन के सिनो छोड़ो जे क्यों न्याले की माँ। सही कथ है। के बात है भाई? कुंवर साहब बुलावा है। कुंवर साहब? कुंवर साहब नहीं, कुंवर साहब है। अरे छोरी देन आया हो लेन आया हो? कुंवर साहब बुझे कि छोरी देवन आयो या लेवन है? थाने के मतलब है छोरी देना हो जो छोरी लेना हो। रिश्तेदारो राम राम। राम राम जी, थारी दो बार। कुमारा साहब फोन दियो नहीं एक बार थारो। रिश्ते थारो बंदर देखेड़ो है के थारो? हरका राम जी। हाँ जी। बंदर बनावणियो देखड़ो है कदी थारो? ना ना जी, इतो ना सोचो, मैं दिखाऊं। लियो सुनो सुनो एक मारी बात तो सुनो। इतने ऊंचे खानदान इसा संस्कारवान कुंवारा साहब सु तो मारी छोरी कुंवारी भरी चौधरी हरिकाराम जी। चलो भाई साहब। सुनो सुनो एक मिनट सुनो सरी, बातें तो बड़ी भारी भारी करो हरिकाराम जी, सुनने न कह रहे हो। एक कुना बाबा जी, बाबूजी, एक कुना। ए मेरी अर्थी उठाना या मन जीव तो देख के पछा चल गया। मैं की समझो कोनी बाबूजी। समझ तो बीके आवे लाडी, जिके कने दिमाग होवे। तेरली ऊपरली मंजिल तो भगवान खाली छोड़ रखी है। हरका राम समझाई छोरे ने, कुल्ले सांड की ज्या घूमे गांव में आता जाता के मारे सिंह। हरका राम मने बाद में ओड़बो ना दे के सरपंच साहब ओके होयो, इन वास्ते मैं आपने केवण आयो के समझाओ ये छोरे ने। बड़ो नाम रोशन करे लाडी गांव में। बस बस थे थोड़ी शांति रखो, मैं इन्हें समझा दूंगी। बड़ी मुस्कुराओ तो रिश्तो आयो जिके ने बदले में छोरी कौन चाहिए जी। बींद के मुंडे लाल पड़े जो बराती की करे। कोई नहीं, थोड़ी शांति रखो, मैं आप ही समझा दूंगी। हाँ तू समझाई बड़त ने, क्यों समझे तो देसिया ने बेटी अकड़ा ने बींदनी बारी पड़ी है खतर। आहा क्या स्वाद खानो अम्मा।
तेरा हाथ की रोटी जे भगवान खा ले नी माँ तो भगवान तने एक मिनट धरती पर कौन छोड़े। बेच दे रोटी तेरो बाप बनावे को। मेरे कहने को मतलब ओ को नहीं हो माँ, मेरे कहने को मतलब जे तेरा हाथ की रोटी भगवान खा ले नी तो देव लोग छोड़ के आपने घरे आ जा रोटी खान। बस बस रहने दे, बहुत होगी बड़ाई। बड़ाई को नहीं माँ, सही कहूँ एक खतरा पा सोच लियो कि आपा ब्याह नहीं कराऊंगा। क्यों? अरे जे ब्याह करा लियो तो घरे आओगी बीननी और रोटी बनाओगी बा और माँ जी सो स्वाद सवाल ही पैदा कोनी। ओहो माँ तू तो नाराज होगी, ए घर में एक नहीं माँ दो दो बीननी आवेगी। दो दो बीननी मतलब चार बीननी मतलब बिनिया ही बाउंड्री। माँ हंस गई, जुग जुग जियो माँ, जुग जुग जियो। बस बेटा एक बार थारी बिननी को मुंह देख लूं तो ई जन्म में 100 जुग जी लूंगी बेटा। होगी माँ, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। बेटा तू थोड़ो ठीक रहा कर, पंगा ना लिया कर, के पतो कोई करमारी कारी लाग जा तो। ले दो रोटी और रख दो। दो क्यों, 15-20 एक ठूस दे, खा खा यार सांड हो रही है। के कहो बो नंदू के सींग मारे सींग आता जाता गे। बस बस थे तो कोई बात के ला रही पड़ जाओ, ला रही पड़ जाओ। रे नाला एक शानदार खबर लेके आई हूं मैं। आओ आओ थारो इंतजार हो रहे हो। लियाओ भाई पूजा की थाली लियाओ, आरती उतारा, भगवान अपने घर आए। जय हो जय हो। बस करो, क्यों छोरा ने शर्मिंदा करो हो। बढ़िया के शर्म राम मिलायो जोड़ो, एक कानो और एक खोड़ो। बिद लागी है आने बीनने और देव को कोई फिरेगा दुड़ुड़ाता यही ऊपर केली खेड़ो है। केली खेड़ो है। अरे विज्ञापन आयो है जोधपुर में के नहीं छोरियां खातिर पर चाहिए। अच्छी बावली भूत है, जोरदार खबर ले आयो। आ ले गे ऐसा बकवास है आंगन को गीगली नहीं। अगलों बात करी यार, अगला क्या जो बकवास थोड़ी है यार। सुनील जीवन सिंह पाला मैं पायो कितने। रंडे पनाऊ ठीक है। अरे नालिया लेखा रमड़ो दूसरे ब्याह मंडी क्यों रही। मैं पामले टिंगर को दूसरे ब्याह मंडी क्यों लेखा रमड़ो जो दूसरे ब्याह। हे भगवान तेरी माया को पाट्यो ना कोई बेरो किंगे तो एक ही कोनी और किने दो दो दे रही हो। हेंगा तो डीजे बज जाएगा यार, कदी आपने ही बज जाओगे डीजे रे। अपना बाजगा शंख। पंडित जी राम राम पगा लागू। रामोई राम रामोई राम, पाई जीवता रो जग में और काटो लागे और अरे पग में। पंडित जी वो कांटो तो मार ले पग में लाग रही है, मारा छोरो तो हो गया जवान मोटियार पण उस ताई ब्याह सावे कोई बिद को नहीं बैठन लाग रही। के करा के देखो नहीं। शनि शुक्र में और रहु केतु में लड़के रो जन्म रविवार।
रविवार ने उड़ा है क्या? हाँ रविवार। अच्छा अच्छा पंडित जी। मारे घर कोई चीज की कमी को नहीं। सब चीजा वो ठाट है। अच्छी जमीन जायदाद है, अच्छो ट्रैक्टर है, अच्छो घर है, अच्छो दिनो है। सब चीजा वो ठाट है, कोई कमी को नहीं। मारे न्यालिया में भी कोई कमी को नहीं। बस कमी है तो एक बहू की। तारे न्याल में तो कोई कमी को नहीं, पण छह घरा में सनी पसजोड़ो बैठो है, बहुत दूरी बात है। कोई गली कुचो काटो नहीं पंडित जी? ना गली है ना कोई कुचो है। मने तो कोनी लागे कि छोरे को ब्याह होएगो। हे भगवान, के बुरो करियो जे एक छोरी दी होती तो बदले में न्यालिये रो ब्याह कर देती। तो के न्यालो बुड़ो हो गयो आज ही? साल तीसरो हो रियो है। न्यालिया रे बराबर रे छोरा रे टाबरिया हो रिया है। के मारो जी नहीं जले? के मारी आत्मा कोरी बले? ठाउस राख बावड़ी, सगड़ा काम हो जाएगा। की कोरी हो वै? इब तो पंडित जी भी कह दियो कि न्यालिया रे ब्याह रो जोग ही नहीं है। मैं तो यूं ही मर जाऊं पोता रो मुंह देखे बिना ही। तो कदे गौर करियो नहीं। तो मैं क्या कर सकूं बता? मेरे बस की बात है ये। मैं तो सगले सगा संबंध का तड़वा चाट लिया। आत्मा मेरी को निरोवेगी, मेरे के बोझले मेड़ो को निके। सारे गांव की लुगाया क्या है न्यालिया रखो रिश्तेदार आयो के कहे जवाब दे। बताओ क्या जवाब दूं? आंधी होएगी मैं तो रो रो गए। हे भगवान, के बुरो करियो जे एक छोरी दी होती तो बदले में न्यालिये रो ब्याह कर देती। साल तीसरो हो रियो है। न्यालिया रे बराबर रे छोरा रे टाबरिया हो रिया है। के मारो जी नहीं जले? के मारी आत्मा कोरी बले? की कोरी हो वै? इब तो पंडित जी भी कह दियो कि न्यालिया रे ब्याह रो जोग ही नहीं है। मैं तो यूं ही मर जाऊं पोता रो मुंह देखे बिना ही। सारे गांव की लुगाया क्या है न्यालिया रखो रिश्तेदार आयो के कह जवाब दे। आंधी होएगी मैं तो रो रो गए। पला वो अखबार कटे। अनपढ़ तो ध्यान ले यार बावड़ी दूच। मैं तो इतनी पढ़ी यार, जोधपुर में दो वर चाहिए पंजाबी वर चाहिए, मैं कौन पढ़ी यार। तुम कौन नहीं अगलों बात करी? नेमिया भर की बात है, बात करी अगलों आज यो, पर बात तो चुक होगी यार। सरदार जी नहीं Thank you.
पूजा की हो की कर दिसी। ओ दसपाला, ओ मैं सरदार जे लगदा कि नहीं। तू यार नाले इया ना बोले, सही बोल या पंजाबी पंजूबी समझ में कौन आओ यार के। अरे बता, अब सेलेक्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा सरदार ने। हाँ रे लगा तो यार पंजाबी वर्गा। लगा क्या हाई पंजाबी। अगला ना पंजाबी मुंडा चाहिए, पंजाबी मुंडे तैयार। अब तू बड़ा फोन लगा, गले जमाई आ गए तेरी। पानी क्या? जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो मेरे साथ प्यार क्यों किया? क्यों मुझसे शादी का झूठा वादा किया? तुमने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया है। पाला छोड़ी है यार। बेटा छोड़ी क्या है? देख कितनी सुनी छोरी है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों? अपने पूछ ले पाला। ना रे यहाँ पूछ जा जाया करेगी। अरे पूछने के बेरोत पड़े की के दिखाना है। जा गड़ पड़गी तो। अरे अपन ढकुन जाने तो गड़ पड़गी के का ढगी अपने को। जा जाऊं? जा, जा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हाँ बोलिए। वैसे तो हम भी अभी तक हैं कुआरी हैं, आप चाहे तो हमारे साथ भी आकर सकती हो। यू बास्टर्ड। आजा आजा कणी कौन देखियो, मैं कौन देखियो। आजा दूज बर सत्ती मैं यही कौन करा तो बिया। क्यों हो रहा मरुआ दिया यार, मेरी तो बूनी तपड़ू हुई है। चल तू कोई नहीं, आपने बड़ा फोन लगा। चली यार फोन लगा। तेरी स्थिति हुई? कोई नहीं लगा फोन लगा। उत्तरी तुम फिर आ गए। अब क्या चाहिए? स्टुपिड। अरे अरे क्या चाहिए? बदतमीज कहीं का। सुचो बोले यार। सुचोप है इंदिका? यही नंबर है नी? मरा दिया यार, धोबी वाला कुत्ता हो गया ना, गरगा ना घाटगा। कबूतर करेंगे त्रियल पे। हाँ भाई उड़ लो प्लीज। भाई साहब दिखने में तो आप बड़े अच्छे करके लगते हो। अरे आओ सरदार, फिल्मी डायलॉग नहीं।
खींच दो, चलो। जैसे आपकी इच्छा भाई साहब, आ जा पहला। प्लीज, प्लीज, रुकिए। एक बात कहनी थी भाई साहब आपसे। वैसे ये पाला है, ये पाला, इसका नाम पाला है। हाँ हाँ, इसका नाम पाला है। अग ये पाला है। रे पाला तो आग भी होगा कि मैं। ये मारता बड़ा कसूता है। ये मारता बहुत कसूता है। हाँ। कसूता मारता है। हाँ, पाला दिखा। ले 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 बेटा भनी सिंह, मार। आजा बेटा, मार 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 बेटा, दिखा। लड़की के सामने हीरो बनना को बढ़िया मौका है, दिखा दे। जा आजा, आजा बेटा, रे आजा, दिखा। यो उड़ता तीर ले लिया सरदार तने। की करूं, जा हटा। उड़तो तीर लेने की तो आदत ही। तेरी ऐसी की तैसी। भंडे भाई पुलिस। देख लूँगा तेरी सरदार। पाला लागित कोनी। थैंक्स जी, आपने मेरे खातिर इन गुंडों से दुश्मनी मोल ले ली। ओ जी, इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात है जी, ये तो हमारा फर्ज था जी, और वैसे भी हम हर चीज मोल ही लेते हैं जी, उधार तो रखते ही नहीं है जी, क्यों पाला? हाँ जी। आपके साथ जो भी किया उसके लिए सॉरी। इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है जी, ये तो पाला से आपका थोड़ा दुख देखा नहीं गया जी। हाँ। इसीलिए थोड़ा वो हो गया जी, मतलब वैसे कौन थे ये लोग? एक नंबर के छठे बदमाश हैं यहाँ के, आए दिन किसी ना किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं, पर आज तो उनका पासा उल्टा ही पड़ गया। वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हो सरदार जी? सरदार जी, सरदार जी राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब जोधपुर के ही रहने वाले हो? ना जी, जोधपुर पहली बार आया जी। घूमने आए हैं मतलब? नहीं जी, हम तो वो थोक नौकरी की तलाश में आए हैं जी। अच्छा अच्छा, मिली जी नौकरी? मिली? नहीं जी, ढूंढ रहे हैं, तलाश है। अच्छा, मतलब आपको कोई काम चाहिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किस टाइप का काम? काम जी, काम कोई भी हो जी, लोचे से लेके पोचे तक सब काम कर लेते हैं जी हम। मतलब कोई भी काम चलेगा ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक सेकेंड, ये लीजिए कार्ड, आप चाहें तो यहाँ काम कर सकते हैं। अच्छा जी। आप इसमें देख लीजिए कि आप काम कर सकें कि, वैसे वो जो कटिंग थी उसमें क्या था जिसके लिए आप? उसमें व्याधि थी जी। व्याधि? हाँ जी व्याधि। हाँ जी। अच्छा ठीक है जी, मैं चलती हूँ। ठीक है जी। वैसे मैंने आपसे नाम नहीं पूछा, आपका क्या नाम है जी? पल्ला है जी। अच्छा अच्छा, और आपका? मैं निहाल। अच्छा अच्छा। आपको क्या नाम है जी? जी मेरा नाम रेखा है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। ठीक ठीक है जी। हाँ ठीक। आजा।
बोलिए क्या चाहिए? आपकी सहेली रेखा जी ने भेजा है जी। अच्छा अच्छा, तो आप हैं वो बहादुर। रेखा बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी। वैसे कहाँ से आए हो सरदार जी? मतलब जी जहाँ से सब आते हैं। जी मेरा मतलब है कि कौन सा शहर से? हम जी शादीपुर जी। अच्छा पंजाब से? नहीं नहीं जी राजस्थान। सरदार और राजस्थान? वो कह के जी हम बिरानी सरदार हैं जी। बिरानी सरदार? बिरानी जमीन तो सुनी थी, ये सरदार भी बिरानी होते हैं क्या? हाँ वो क्या है जी, मेरा दादा पंजाबी था जी और मेरी दादी राजस्थान से जी, और दोनों में वो लव वाली मैरिज हो गई थी जी। फिर क्या था जी, हाँ मेरे दादे को पंजाब छोड़कर सूखे इलाके में आना पड़ा जी। सूखा इलाका बोले तो बिरानी जी, और फिर क्या था जी, बस बिरानी सरदारों की जड़ी सी लग गई जी। मेरा ताया बिरानी सरदार, मेरा पापा बिरानी सरदार, मेरा काका बिरानी सरदार, मैं बिरानी हाँ, सरदार। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और आप? वो के है जी, सेम ही कहानी है जी, जी। इनका दादा पंजाब से जी और मेरी दादी पंजाब से। जी अरे पूजा बेटी। हाँ दादी। चश्मा कहाँ रखा हुआ है? चश्मा हाँ ये रहा काउंटर पर, ला। चलो ये तो ठीक है, खाना बना लेते हो तो। पर हाँ कोई नशा वशा तो नहीं करते हो ना? ना ना दादी जी, हमें किसी चीज का बैल ही नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है। कदी कदी घुंट भर है नहीं यार। क्या क्या बोला? घूंट? नहीं नहीं दादी जी, कह रहा है चाचू की घूंट मार लेते हैं कभी कभी। अरे बहादुर पानी लाना। अच्छा ये तो ठीक है बेटा। बहादुर पानी तो दो। अच्छा ठीक है बेटा, जब तक तुम्हारे रहने का ठिकाना नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रह लो, पर हाँ कल से कोई कमरा जरूर देख लेना। जी। बड़ी कमाल की छुरी है यार पाला, क्या बाल हैं, क्या आंखें हैं, क्या होठ हैं, क्या मूंछ है। ओए, ओ काम आया अठे, आलू छोलन को नहीं आया यारू, तो कोई काम हो नहीं, गम में जागो। गम में जागो? अगला हूँ फोन मिलूँ पहले खड़े जागो, गम में चला बेइज्जती करावा। अरे अगला को जब तक फोन नहीं मिले नहीं, इतने टाइम पास करनी पड़ेगी पाला।
करनी पड़ेगी टाइम पास। लोंचे से पहुंचे तक बिरानी सरदार, दादा सरदार, ताया सरदार, दादी सरदार, कदे गई के पंजाब है। क्या सुनी छोरी है यार पाला। अरे सोचे इन्न र पढ़ंदे कौन पढ़ंदे जा। एक कुड़ी हो गया मुझको प्यार, हो गया मुझको प्यार। रब्बा वे
रहे हो? मुझको प्यार। अरे छोड़ मुझे, बदतमीजी की भी हद होती है। सोनी सोनी एक छोरी, क्या मैं तुम्हें कोई छोरी नजर आती हूँ? देखो मेरा दिल कितना जोरों से धड़क रहा है, बदतमीज कहीं की। अब आके फाड़ फाड़ के देख क्या रहे हो? कभी किसी लड़के को नहीं देखा है क्या? बहादुर नाम है मेरा, बहादुर। पाला, तेरी भाभी दिखी को नहीं यार? बस रहने दे, ना झूठा सपना ले। बदतमीज कहीं की। होटल की मालकिन है, तू एक नौकर है? अरे नौकरी सही, ईसा घना ही घर होगा यार। जठे लुवाइया ही चले, अरे आदमी नौकर की जू रहे, लुवाइया मालकिन। तेरे कहना हो मतलब है तू घर आए हो, घर आएंगे चले। हाँ। हैं? अरे वाह, क्या बातें हो रही है सरदार जी। कुछ नहीं जी, बस थारे बारे में बातें हो रही थी जी। मेरे बारे में? हाँ जी हाँ जी। नाल कह रहा बहुत ही सुंदर हो। होटल की मालकिन हो जी। वेरी गुड, बड़ी खुशी की बात है जी। मन लगा कर ही काम करना है। हम तो जो भी काम करते हैं गोड्डी गाली देते हैं जी। हैं जी? नाल को मतलब है कि मन लगा कर काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुड गुड गुड, वेरी गुड। इस होटल को अपना समझ कर ही काम करना है, ठीक है जी? जी होटल की बात करें, मैं एक सागे घर बसाया बैठे हूं। हेलो। हाँ बेटा, ठिकाने सर पुग्या के? हाँ महा पुग्यार, काम ही लाग गया। अच्छा अच्छा, के काम लाग गया बेटा? कोई ऑफिस को काम है माँ, लिखा पड़ी को। अच्छा बेटा अच्छा, ने वो पालियो बेटा? ओई पालियन काम मिलियो माँ ऑफिस को। ला बेटा, दो बात पालियो ही करा। हाँ, बात कर ले। देखी दिखा कौन अट्ठा का हाथ भरे पड़े। हेलो आटो, आटो, की है ओ तो माँ बदूर है रोटी बनानी हो। अरे वो बोले बीच में। अरे पाला जल्दी करो भाई, कोई कस्टमर आए हैं। हेलो हेलो, लुगावड़ी से कौन बोले बेटा? आ तो माँ होटल अटल में, होटल नहीं माँ ऑफिस ऑफिस में चपड़ासन है, चपड़ासन कपड़ो कपड़ो मारे करे नी। वाह। हाँ माँ, एक कोई अधिकारी आ गया, मैं बाद में बात करूँ। है ठीक है बेटा, ठीक ठीक। अच्छी बेकूफ बनाई रखा किने। अरे इतने बेरो को नहीं, माँ इब सारे का मैं जिक्र कर देगी। कछोरा नौकरी लग गया। अरे गम में ठा पड़ गयो जदे होटल में आलू छोले है। पड़ गयो रे, ये ठा पड़ रहे। अरे के कोनी आप पर कौन देखना बैठे है? ए आते कैसे नहीं है, यहाँ रेस्टोरेंट है, 500 ग्राहक आते हैं यहाँ। यहाँ कोई बदतमीजी मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके आइटम है पाला। पाला तेरी भाभी ने अपना मकान देखने कह तो दियो, कहीं जाना हाथ को नहीं कट्ठे देखो। मेरी भाभी ने बुझ ली यार, अठा नेड़े तेड़े कोई कोठिया पड़ी हो तो। निहाल वापस कैसे आ गए? जी हम ये पूछ रहे थे कि। हाँ जी बोलो बोलो। आपके नेड़े तेड़े कोई कोठा नहीं है क्या? What nonsense, क्या बकवास है ये? तुम लोगों को शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? बेशर्मी की भी हद होती है जी। नहीं जी वो क्या वो लगा रखा है, रहना तो रहो वरना जा सकते हो। इसमें ताती होने वाली कौन सी बात है जी, न्याले ने कोठा ही तो बुझ जाए जी। फिर से वही बकवास, दिमाग खराब है क्या? ये बावड़ी बुझ जी, चुप रह। आइंदा ऐसी बदतमीजी की ना तो। मैंने तो जी इनको पहले समझा दिया था कि। नहीं जी नहीं जी, आइंदा हम कोई बात बुझेंगे नहीं जी आपसे। चल पला ठीक है जी। पागल कहीं की, लड़की को कोठा पूछते शर्म नहीं आती? मैं तो पहले समझ गया था जी कि ये वीरानी सरदार नहीं, ये तो बेशरम सरदार है, बेशरम। यार पला,
तेरी भाभी तो बहुत रीस ली है यार। अरे रीस ली तो किया रे, पर मेरा आज समझ में कौन आई कि गुस्सो आयो क्यों? समझ तो मेरे ही कौन आई यार, वही क्या ऐसा घना ही घर है जटा आदमिया ने लुगाइया की सुननी पड़े। आपके यहाँ कोठा है जी? क्यों है रे? थप्पड़ मारी है यार। चल कोई नहीं यार पला, लुगाई यही मार पड़ी गठे। पला जा, पूछ गया। कौन है तू? यार तो कोई पूछे नहीं, बुझ ले जा। पूछ ले जा, पूछने का स्टाइल हो है। देखी आंटी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी जी, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए आंटी जी। हमें वो चाहिए था, वो कोठा चाहिए था, अगर आपके यहाँ सेट हो जाता तो। आप दोनों को ही कोठा चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हम दोनों को ही कोठा चाहिए। क्यों पला? हाँ जी, हाँ जी, अभी रुको। एन के स्टाइल। हाँ बड़ी सुनी सो रहा माँ यार अठे तो बड़ी भली लुगाई है यार। हनी ओरे मार दिया। शर्म नहीं आती अपनी माँ समान आंटी से कोठा पूछते हुए? बदतमीज कहीं के, भागो यहाँ से। के करा पला यार, तू गम में जागो, कोई मार खा जे नहीं अठे। दिखाई रे कितनी लगी। रहन दे, के होयो तेरी स्टाइल को? स्टाइल पाट गई यार पाला। मरेगी आधी रात ने। ए बात बताने आला अठे कोई बुझने को मातम ही कोनी। मेरी तो बेइज्जती सी होगी, मेरी तो बूनी थप्पड़ होई। जी करे वो ही मार दे, गम जाके ना बता दी, बेइज्जती हो जाएगी। भाई साहब बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी थी। देखो नाराज मत हो ना भाई साहब। अरे कमाल करते हो, पूछो पूछो। वो क्या है कि भाई साहब दिन गए के बड़े परेशान से घूम रहे हैं। हाँ हाँ, बुरा मत मानना भाई साहब। देखो अगर आपके नेड़े तेड़े कोई कोठा मिल जाता तो। अच्छा अच्छा कोठा। हाँ जी। अरे बड़े रंगीन मिजाज लगते हो यार। आओ आओ बैठो, दिखाते हैं तुम्हें कोठा। बैठो बैठो। ठीक है आजा। पहली आंटी भी यहाँ सी। क्या हुआ भाई साहब? नहीं नहीं कुछ नहीं भाई साहब, आजा बैठते। सरदार जी, ये आपके गांव में कोठे वोठे तो नहीं होते होंगे ना? नहीं जी, ऐसा तो कोई गांव में घर ही नहीं होता जिसमें तीन चार कोठे ना हो। क्यों पाला? क्या बात कर रहे हो सरदार जी, हर घर में तीन चार कोठे? हाँ जी, गांव में हमारा ही घर ऐसा है जिसमें तीन चार नहीं पांच छह कोठे हैं, और दो कोठे पशुओं के लिए अलग। क्या पशुओं के लिए अलग कोठा? हाँ जी। कमाल करते हो भाई साहब, उनके लिए भी कोठा चाहिए ना। आपके घर में बीवी बच्चे नहीं है क्या? वो भी तो कोठे में रहते हैं ना। क्या है क्या है, है? जबान संभाल कर बात कर, सबको अपने जैसे समझ रखा है क्या? कोठा कोठा वो रहा था नौका कोठा, उतरो और जाओ यहाँ से। अबे क्या देख रहा, उतर उतर। भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं, हम उस कोठे की बात नहीं कर रहे हैं जो आप समझ रहे हो, हम उस कोठे की बात कर रहे हैं जो आप नहीं समझ रहे हो। सही अरे है। क्या समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अबे कोठा तो कोठा ही होता है ना, वो धनों का कोठा बस। अरे भाई साहब हमारे वहाँ इस कोठे को नहीं कमरे को ही कोठा कहते हैं, हम तो कमरा पूछ रहे थे भाई साहब, कमरा चाहिए। अच्छा अच्छा आपको तो यूं बोलते ना, कमरा चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे तू आएगी कहीं राम जी महाराज? हाँ जी आएगी, साके तो छोरे ही लाई हूँ। छोरा? अरे तू सब्जी लेने गई ही क्या? छोरा लेने गई ही कौन है? कोई बिरानी सरदार बतावे, कमरों चाहिए आने किराए। बिरानी सरदार? भाई बिरानी जमीन तो सुनी ही, ए बिरानी सरदार भी ऊन लाग गया।
खैर भाई 5,000 रुपया किरायो लागेला, वो भी पूरो एडवांस मंजूर हुए तो बोरिया बिस्तर लाओ महीने, नहीं तो जय गुरु नानक री। बिरानी सरदार, बिरानी जमीन, वो काई वे जी कठे वे। अरे तू थारी अकल मत लगा, बिरानी मतलब सूखी बंजर, समझी? बिरानी सरदार यानी भूखा सरदार। हाँ। यानी पकड़। हाँ। मतलब ठंडन गोपाल। हाँ। ना जी ना, आने कमरों किराए ना दिए, किराए कठे से देगा। किराया एक दो ए तो 3,000 है, बाकी रहा 2,000। परसों जी, परसों। परसों? हाँ जी। ठीक है, आजो आजो। कमरा कमरा जी? कमरो हाँ, थे ऊपर वाला कमरा में रहो, ऊपर वाला। ठीक है जी। जो पूजा जी आप? रे सरदार तू? सरदार नहीं, बिरानी सरदार। रे यार कौन सा है वो? सह तो सरदार है। रे एक बात बता, तन्ने इन दोनों हाथी बचाने का ठेका ले रखा है के? के करा भाई, जाटा उड़ता तीर लेने की आदत ही है। रे मेरे भाई तेरा दिमाग फिर रहा है, यो कोई फिल्म का सीन कौन चलता भाई? एक काम कर, बाज ले, बाजन में बलाई है। सरदार बाजे को नहीं, बजावे हैं। रे बेटे, चाचा, गिताली बलानी पड़ेंगी के, चल। पंडित भाई पुलिस। बड़ी बढ़िया किस्मत ले रहे हैं, यहाँ पोंपा पोंपा तने हर बार बचा ले है, एक दिन वो भी आओगा कि ये पोंपा को नहीं आओगे। ये लो पूजा जी, आप यहाँ? मैं कॉलेज जा रही थी, पर आप लोग यहाँ कैसे? हम यही तो रहते हैं नांदड़ी में। इसको कमरों में रहते हैं। कमरा इस मकान में कमरा है। शुक्र है भगवान का कि तू टाइम पे आ गया, नहीं तो आज मेरी दुनिया ही उजड़ जाती। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दादी जी, ये तो मेरा फर्ज था। अपनों के बीच एहसान कैसा? नहीं बेटा, आज के टाइम में कौन किसी दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है? आप भी कमाल करते हो दादी जी, एक तरफ तो बेटा कहते हो, दूसरी तरफ पराया कर देते हो। अपनों के काम अपने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वो तो ठीक है बेटा, पर अब मैं नहीं चाहती कि पूजा कॉलेज जाए। पूजा तू आज से कॉलेज जाना बंद कर दे। मैं उस फंडे के लिए अपना कॉलेज छोड़ दू? नहीं दादी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कौन है ये फंडी? उस दिन रेखा के पीछे भी, ये आप दोनों के पीछे क्यों पड़ा है?
क्या बताऊं बेटा, ये तीनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं। इन दोनों ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी, उसे कॉलेज से निकाल दिया। बस इसी वजह से इन दोनों के पीछे पड़ा रहता है। और अब तो मुझे पूजा को कॉलेज भेजने में बहुत ही डर लगता है। अकेली हूं ना बेटा, इसके माँ बाप के गुजरने के बाद यूपी से जोधपुर आ गई और तब से अकेली सब संभाल रही हूँ। डरती हूँ इसीलिए। जय दादी, आपको पूजा जी को इतराज ना हो तो कॉलेज तो मैं छोड़कर आ सकता हूँ दादी जी। और उन चार बदमाशों के कारण कोई अपना कैसे कॉलेज छोड़कर कैरियर बर्बाद कर सकता है। और वो भी नाल के तका। नहीं बेटा, हम पराई जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। फिर वही सागी बात दादी जी। ऐसे लोगों का मेरे को कतई डर नहीं लगता। ठेठ गांव का देसी छोरा हूँ, ऐसा खूंटा गाड़ूंगा कि दम पाट जाएगा। क्यों पाला? हाँ, नाल से ही कह दादी जी, किसी की हिम्मत नहीं होती नाल के सामने कुछ मादी करने की। धीमी धीमी चलने लगी हवा, प्यार में तेरे कुछ होने लगा। दिल मचल मचलने लगा, प्यार में गुनगुनाने लगा। ऐ खुदा मैं हूँ कहाँ, तू बता मैं हूँ जहाँ। ऐ खुदा मैं हूँ कहाँ, तू बता मैं हूँ जहाँ। दिल मचल मचल के बोल ऐ मेरे खुदा। कॉलेज कितनी दूर है यहाँ से? यही कोई 6 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। पूजा जी, ये जो आपका कॉलेज है, हाँ? इसमें लड़के लड़कियाँ बेले ही पढ़ते हैं क्या? बेले? ये बेले क्या होता है? मतलब जी, आपा दोनों बेले आना जी, जैसे स्कूटर पर कट्ठे जी। अच्छा अच्छा, साथ में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, कॉलेज में लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, क्यों? बस यूं ही पूछ रहा था जी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट, फोन आ गया जी। हाँ जी। हाँ माँ, एक बार मैं कोई काम बाहर आए हूँ, बाद में बात करूंगा। घर से फोन था निहाल। हाँ जी। और कौन कौन है घर में आपके निहाल?
बस यही जी, माँ है, बापू है, छोटा भाई है, दो गायें हैं, दो बछड़े हैं, कुल मिलाकर 7-8 जीव हैं जी। मतलब और बीवी नहीं है? मतलब अभी तक आपने शादी नहीं की? करी तो के कोने जी, ता नहीं को लागे, नहीं तो कदकी कर लेता है जी। मतलब जी, आजकल कोई शादी करता है क्या जी? मेरा मतलब, किसी लड़की को देखे भी ना आजकल कोई शादी करता है क्या? 3-3 बार घर वालों को मना कर चुका हूँ, लड़की दिखा दो, लड़की ला दो, लड़की ला दो, पर कोई सुनता ही नहीं है। अब आप ही बताओ, जब तक आप मेरे को देख नहीं लेते शादी कर लोगे क्या? मेरा मतलब, किसी लड़के को देखे बिना आप शादी कैसे कर सकते हो? हाँ, ये बात तो सही है। मतलब ये कि अभी तक आपने शादी के लिए लड़की नहीं देखी। अजी, देखने की तो दूर की बात है, मैंने तो अभी तक किसी लड़की से बात तक नहीं की है जी। आप ही पहली लड़की है जी जिससे मैंने इतनी बार बात की है जी। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है निहाल। ठीक है। हाय पूजा। हाय रेखा। निहाल तुम? हाँ जी। तुम यहाँ कैसे? चलना मैं बताती हूँ। चल। किन्ने जानते रहे हो उन प्लेट को गए अच्छी तरह मेलियो। जुमजूत कटू आ गया है। पाला, कस्टमर्स आए हैं, ऑर्डर ले लो। डर मत, मैं हूँ पाला। कैसे नहीं डरू? ये मुंह कहाँ से काला करवा के आया है? मेरी तो जान ही निकल गई डर के मारे। पाला भाई, बहुत परेशान करते हो तुम दोनों तो। बस बस, परेशान हो जा, उठ ले गया। हाँ बस, मुझे को दौड़ाते रहते हो। झाड़ू भी मैं दूँ, पोछा भी मैं लगाऊँ, झूठे बर्तन भी मैं उठाऊँ, ऑर्डर भी मैं लेकर आऊँ। ये मेरा काम है क्या? मैं नहीं जाती। जाती? मैं नहीं जाता। पाला आई जी। चल मैं जाती हूँ। क्या है तुम्हारे? हाँ जी, क्या लोगे आप? चाय पियांगा जी। ठीक है निहाल। दादी आ गई। पूजा? हाँ आ गई कॉलेज से। ठीक है। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? हाँ की कोई ठार नहीं पड़े, समझे? लिया भाई, क्या बात है? ले भाई चाय पी। अरे पाला। हाँ जी। एक कप चाय मेरे लिए भी लाना। सुरजीत और ताऊ नंदू उठे? जरूर पड़ का काम है। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? ये आज पाला को क्या हो गया? क्या खतर बुलाया ने? मैं बाल ने बुलाया यार ने। अन के बिरु पड़े अपना ठहरा। मन्ने के बिरु यार। पाला एक या डेंटी और खागी। अल्लाह ओ कारो थोपड़ क्या खतर करा के तू? तू जा 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 जा।
खाना जल्दी तैयार करो भाई। अठे जोधपुर में अरकेरो न्याली और पालिया रेवता बतावे, बहु तो मिलके चला, नीतर अरको कह देगो के थाने नंबर यही दिया के। हाँ एक मिनट, ले मिला है नंबर। डायल किया वाला नंबर मौजूद नहीं, कृपा थोड़ी देर बाद तुरंत डायल करें। हे भाई, ये थोड़ी देर बाद तुरंत क्या होता है? पाल यार फोन तो और ही क्या बोला है, तुम्हारा तो करेक्टर ही समझ में नहीं आता है। हट। मिला न्यायालय और मिला। उपभोक्ता का नंबर अभी स्विच ऑफ नहीं है, बार बार डायल करने पर कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। धन्यवाद। खराब है ताऊ। जान दे, छोड़, चल। काम चोर, अंदर चलना। के देखे कटे जाने थानो लागे ताऊ। चल अटो, आ सारी फौजी इसी है। चल राम जाने आ सगली फौज कठू बेली होके आई है। अरे अजाइब, आज तो बच गया भाईडा, नहीं तो मट्टी पली तो जार। सारे गांव में बेरो पड़ जार कटिंग होटल में आलू छोले। अरे ओ बीरानी सरदारों, काय कर रिया हो? ले एक और आगे मट्टी पलीत करनी हो, मन लागे भाड़ो मांगण आयो है। इब्रे भाड़ो तो है ही को नहीं। अरे ओ बीरानी सरदारों, कई करो भाई। जय माधुरी, जय माधुरी, जय माधुरी देवी, जय माधुरी, जय माधुरी। छी 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 छी, कितना गंदा विचार है हमारा। टाबरिया पूजा कर रही है और मैं कई सोच रही हूँ। जय माधुरी, जय माधुरी, जय माधुरी देवी, जय माधुरी, जय माधुरी, जय माधुरी, जय माधुरी, जय माधुरी, जय माधुरी, जय माधुरी देवी, जय माधुरी। अरे पंडित जी, आप कदा है? आरती कर रहे थे तो पता नहीं चला, इसलिए माफी चाहते हैं। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकूं कि आजकल रा बच्चा और पूजा अर्चना, मैं तो देखने धन्य हो गयो। अरे पंडित जी, आप ये क्या कह रहे हैं? पूजा और अर्चना तो हमारे नस नस में बसी है पंडित जी। अरे बेटा, आजकल रा बच्चा और यानी दिनचर्या, ओहो हो, सुनने शर्मू सर झुक जावे बेटा। मैं तो महान मानू उन माँ बाप ने जिका थाने जाड़ा संस्कारी बेटा ने जन्म दियो। ये तो आपका बड़पन है पंडित जी, जो आप हमें संस्कारी मानते हो। अरे नहीं नहीं बेटा, और कौन कौन सी देवियां हैं थाने बटे? हमारे वहाँ पर माधुरी देवी, शिल्पा देवी, मल्लिका देवी है, राखी देवी है, और बहुत सारी देवियां हैं। अच्छा अच्छा। अरे पला, एक वो अपने पास वाले गांव में जो मेला लगता है, वहाँ माता जी का क्या नाम है? सनी देवी। सनी देवी, सनी देवी, सनी तो देव को नहीं हुए बेटा? सनी देव तो है पंडित जी, पर सनी देवी अभी अभी प्रकट हुई है। और हाँ, इनके पर्चे तो सभी देवियों से भारी है पंडित जी। इनका गुणगान तो बड़े बूढ़े बच्चे सभी करते हैं पंडित जी। और हाँ, ये एकमात्र ऐसी देवी है पंडित जी जिनका विदेशों में भी गुणगान किया जाता है। क्यों पाला? हाँ। माफ करना देवी जी, आपका नाम लेना भूल गया। जय शनि देवी। जय शनि देवी। वाह भाई वाह, एड़ा बच्चा ने देखना आनंद आएगी। भगवान करे सबर हटे, एड़ा संस्कारवान बेटा पैदा हुए। जय जय शनि देवी। 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 जय शनि लियोनी। किरायो दियो नी। साला कदी खोला कौन खोला है?
पाला देख दिशु चुप। पूजा पूजा मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा, कहीं वो। आप इतनी चिंता मत किया करो दादी, अब निहाल है ना। ओए भाभी ये चक्रम ज्यादा ना पड़ रही, तावड़ो आजी यार हूँ एकलो काम को नहीं बैठे। हाँ हाँ, वो तो तेरी भाभी पर डिपेंड करे। जे तेरी भाभी यूं कह दे कि पति देव आप मेरा यही खड़े खड़े इंतजार करो, तो बंदा वही खड़ा खड़ा इंतजार करेगा। और जे तेरी भाभी यूं कह दे कि पति देव जाओ तुम्हारी दाद सासू के पास जाओ, तो बंदो अठे हाजिर। अरे रहन दे, ज्यादा मन का लड्डू ना खा, जल्दी आ जी। ठीक पाला। यह एक तेरी दादेर सासू ले बैठी घड़ी एक है। पाला ठीक है दादी, मुझे लेट हो रहा है, मैं आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ओ जा जा तेरे भाभी आवा, जा जा चले निहाल। हाँ जी। ओए रे देखो ये टकराना पकराना पसंद नहीं है। हाँ क्या है तुम्हारे? एक एक मिनट फोन आ रहा है जी। एक मिनट जी। हाँ जी। हेलो। हाँ माँ। माँ ब्याह 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 ब्याह, थाने तीन बार कह दियो कि मैं छोरी देखूं, पहले ब्याह कोनी कराऊं। ओए थे मेरे क्यों लारा पड़ रहा हो? तू ब्याह ना नटे, तेरे पास मोने तो तू शाम ऊपर पहले बिन नहीं लिया हुआ है। जोधपुर। ओए हेलो, जोधपुर में मैं कठू छोरी देखूंगा। थे मेरे ब्याह की चिंता ना करो, ठीक है? नहीं ठीक के है, जोधपुर में ले गया अच्छी माँ बनाई है रे। ए रे जोधपुर में आके माँ बनाई रे, इनका तो करेक्टर ही खराब है रे। क्या हुआ निहाल? होना क्या था जी, वही सगी बात शादी वाली। तो आपको कैसी लड़की पसंद है निहाल? लड़की यही जी, पढ़ी लिखी हो, माँ बाप दादा दादी की सेवा करने वाली हो जी, आगे पीछे का ख्यात रख ले जी, घर का सारा खोरसा कर ले जी, दिखने में अपरोगी ना लगे जी। अपरोगी मतलब? मतलब आप जैसी दिखने में सुंदर हो जी। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है जी, आप तो हो ही सुंदर जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू क्यों जी? ये बताने के लिए कि मैं वाकई में सुंदर हूँ। क्यों जी, आपको पता नहीं था क्या जी? नहीं तो? ये तो वही मिर्ग वाली बात हो गई जी। मिर्ग वाली बात? मिर्ग जो होता है ना जी। हाँ? उसकी सुंडी में किस्तूरी होती है जी, और मिर्ग को पता ही नहीं होता जी। हाँ रेखा। हाँ बस कॉलेज में ही हूँ, गेट पे ही हूँ। अच्छा प्रैक्टिकल? अरे हाँ बाबा पहुँच रही हूँ। अरे हाँ निहाल। हाँ जी। आज प्रैक्टिकल है तो बस घंटा भर ही लगेगा, तो फिर जी करता है पूरी जिस्म में उतार लूं। सरदार जी ना, सिंह साहब जी। क्यों पूजा जी?
पाला ऑर्डर ले लो। के लियोगे बोलो तो। हाँ भी कके खान चे की कुछ है। अरे बड़ा काको लगूंगे मैं। ए की केंदा पे है यार। लगता है बिहारी सरदार है। हाँ जी बोलो तो। हाँ भी दस खान चे की कुछ हैगा फिर। दो आदमी दस खानो। दिमाग खड़ा है थारो। असी कामले हैं कदों ते तेरे नाल मत्था पची करी जाने हैं। ओ कामले हैं असी कुगी जाना हुए था। कमलियो कुमलियो को नहीं अठे। चल छड़ यार पता नहीं कितो कितो आ जाने। ये छड़ चल ये पता नहीं। दो आदमी दस खानो असी कमलिया मरोगा उठ के। पाला पाला। हाँ दादी। क्या हुआ पाला? सरदार जी चले क्यों गए? चले के गए जिद्दी कर रखी थी। कह रहे थे मुर्गा खाएंगे मुर्गा खाएंगे। मैंने बोला दूं क्या अभी मुर्गा चले गए। बहुत अच्छा किया तूने। अरे ये कोई मांसाहारी होटल थोड़ी है। जाने दे। अच्छा किया ना दादी। बहुत अच्छा किया। ए रे क्या बोला रे दादी को कि मुर्गा मांग रहे थे। चुप रह ज्यादा बड़बड़ावे मत ना। ओए क्या है तुम्हारे झूठे कहीं। बस एक मिनट और पूजा जी। तुम्हें आज ऐसा नहीं करना चाहिए था निहाल। अरे पूजा जी वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे। अरे बदतमीज लोग बदतमीजी नहीं करेंगे तो क्या इज्जत करेंगे। ये उसी फंडी का दोस्त रॉकी है और इन लोगों का काम ही बदतमीजी करना है। पूजा जी रॉकी हो या पोना इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि वो लोग आपके साथ बदतमीजी करे और मैं देखता रहूं। ये क्या बन भैया दो दिन से भूखा हूँ कुछ खाया नहीं। कुछ दे दे बाबा। इस स्कूटर की तरह तुम दोनों की गृहस्थी दूर तक चलती रहेगी। मान के चल ये मेरा आशीर्वाद है। अब तो कुछ दे दे बाबा। मान के चलो भाई ये स्कूटर कहीं खराब हो जाए और वहीं रुक जाए क्या गृहस्थी भी वहीं रुक जाएगी क्या। अरे ऐसा नहीं बोलते भैया। शुद्ध शुद्ध बोलते हैं। तुम पढ़े लिखे हो ये गलत बात है। अरे हाँ ठीक है ये ले। भगवान तुम्हारा भला करे तुम्हारी जोड़ी बनाई रखे। अरे भाई ये मेरी मालकिन है और मैं बीवी को मालकिन की तरह रखोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी कटती रहेगी। अरे भैया बस बहुत हो गया बस जाइए। अरे गुस्सा नहीं करते हैं क्या समझती नहीं है। अरे पति की करोगी सेवा तो पाओगी मेवा। कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है भगवान ने। झूम मचा मावड़ी मेरा प्यार घर है मैंने प्यार किया है मावड़ी। झूम मचा। इब तो छुरारी नौकरी लाग गई। अब कठे ही तो रिश्तारो बैरो पाड़ लियो। अब तो बन गया ना वो सरकारी अफसर कड़ाता हो खटे प्राइवेट कंपनी में खा ले। क्यों दा बोलो हो यू कह दो नहीं कि मारे बस री बात को नहीं। ए मेरे बस की बात को नहीं पोले तने संभला दियो। तू ही कर ले सो क्यों टूटेड़ो रिश्तो बहुत दो घड़ गले। अगलो सो खोदा काटे। खोदा के काटना है अगला ने सीधा ही कह दियो मारे छोरी ही को नहीं और वे छोरी मांगा। तेरे जी बात से जाने आज के टाइम में रिश्तो करनो खंडे ही धार है। आज का घर छोरी है वो तो है राजा भोज। जिका घर सो क्या उठाट है और छोरी को नहीं वो है गांगलो तेली। छोरा हाँ बाबा बाकड़ी यार है। छोरी नौकरी आराने को नहीं मिले छोरी मिले छोकरी आराने। रिश्तो कर लियो के देर लागी कहता। उसके बारे में दादी को मत बताना खामखा टेंशन करे। नहीं जी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है जी गुड नाइट। गुड नाइट।
क्या टाइम हुआ है बेटा? दादी वो 9 बज गए। पूजा, अब तो बड़ी हो गई है बेटा, इतनी देर रात तक तेरा बाहर रहना ठीक नहीं है। मुझे तेरी चिंता होती है बेटा। अरे दादी, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? निहाल था ना मेरे साथ, वो आज कॉलेज में फंक्शन था सो लेट हो गई। सॉरी ना दादी। पूजा, अब तू सयानी हो गई है। तेरे माता पिता जिंदा होते तो अब तक तो तेरी शादी हो गई होती। पर मैं ठहरी बुढ़िया और ऊपर से अकेलेपन का डर। तेरे मोह ने मुझे जकड़ के रखा है। लेकिन दादी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे बेटियां तो होती ही पराए घर जाने के लिए है। दादी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब आप सो जाओ। अरे जिनके घर जवान बेटी है उसे क्या नींद आएगी भला। अच्छा पूजा, एक बात बता, तुझे कैसा लड़का पसंद है? कोई पसंद हो तो मुझे जल्दी से बता दे, वरना फिर मैं ही जात बिरादरी में कोई अच्छा लड़का देख के तेरी शादी कर दूंगी। दादी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या दादी को पल्लू से बांध के रखेगी क्या? हाँ, मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ मेरी दादी साथ जाएगी। तो ये तो बता, तू जाएगी कहाँ? और फिर कौन सा राजकुमार मेरी गुड़िया को ब्याहने लेने आ रहा है? दादी बहुत रात हो चुकी है, अब आप सो जाओ, चलो सुबह बात करते हैं। अच्छा ठीक है। दादी बीना, अब राजकुमार कौन सी गलियों में घूम रहे हैं? और फिर राजकुमार मेरे से शादी क्यों करेगा? दादी बीना आएगा, जरूर आएगा। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, बता कौन है वो जिसके पास आते ही तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी जोड़ी बनाई रखे। तू आज से कॉलेज जाना बंद कर दे। अपन दोनों भेड़े आना जी। ठेठ गांव का देसी छोरा हूं, ऐसा खूंटा गाड़ूंगा कि दम पाट जाएगा। फर्क इससे पड़ता है कि वो लोग आपके साथ बदतमीजी करे और मैं देखता रहूं। आप जैसी दिखने में सुंदर हो जी। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूं। आप भी कमाल करते हो दादी जी, एक तरफ तो बेटा कहते हो दूसरी तरफ पराया कर देते। माँ बाप दादा दादी की सेवा करने वाली हो जी। कहीं मैं निहाल से प्यार तो नहीं कर बैठी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, दादी को भी तो एक अच्छा लड़का चाहिए। निहाल है ना, अगर उसने मना कर दिया तो वो वाला मना क्यों करेगा? उसको जैसी लड़की चाहिए वैसी तो मैं हूं। अगर वो मान भी जाता है तो दादी क्या सोचेगी कि तुझे यही लड़का मिला, होटल में काम करने वाला? नहीं, दादी कभी नहीं चाहेगी कि मेरी शादी किसी होटल में काम करने वाले लड़के के साथ हो। नहीं, दादी ऐसा नहीं सोचेगी। दादी मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। आखिर दादी भी निहाल को अच्छा लड़का मानती है। कल निहाल से बात करूंगी, करूं या ना करूं। नहीं, कल निहाल से बात जरूर करूं। पूजा जी, अब तो कोई परेशान नहीं करता होगा ना आपको कॉलेज में? जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भला मुझे क्यों परेशान करेगा? निहाल आगे से लेफ्ट लेना है। पर पूजा जी, कॉलेज तो राइट साइड में है ना? मुझे मालूम है, पर आज कॉलेज नहीं जाना है। अरे कॉलेज नहीं चलना है, क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें जोधपुर घुमाऊंगी। अच्छा जी, मैं भी यही करता था जी, घर पे स्कूल का बोल के और फिल्म देखने चला जाता था जी। निहाल तुम बोलते बहुत ज्यादा हो, वो आगे रेस्टोरेंट है ना, वही रोक देना। क्यों? अरे फिर क्यों, बस बस बस, रुक 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 रुक। ये लो जी, अब इसको यही पार्क करो और मेरे साथ अंदर चलो। है जी, मैं क्यों? फिर क्यों, अब चलो भी।
आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? जी जी बोलिए। निहाल क्या तुम सर आप कुछ लेंगे? जी दो कॉफी। जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि क्या तुम मुझसे एक्सक्यूज मी ओनली कॉफी या और कुछ? ओनली दो कॉफी। जी मैं हाँ निहाल मैं ये कह रही थी कि क्या एक मिनट पूछ लेते। निहाल मैं यहाँ इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ और तुम सॉरी पूजा जी अब बोलिए। निहाल क्या तुम सर आपका स्कूटर थोड़ा बीच में उसको थोड़ा साइड में कर दो। बस पूजा जी मैं यूं गया और यूं आया। बात है फोन क्यों कट है बार बार? तू कौन? मैं भी आऊं घंटा होगी आयो को नहीं देखने आला। रोज रोज यहाँ करियो नहीं यार का मैं जानते रहो वो सीधी बात है। तू फिर तो रे भाभी ने लिया झूठो सरदार बने। अरे हेलो बोलती बंद किया होगी मन्ना लागे पूजा भाभी कने बैठी दिखे तेरे। मेरी माने तो पूजा भाभी ने जोधपुर आने को असली मकसद बता दे है के नहीं तो कमरा रखने ठीक को नहीं। जब पुजारे खान पटा के ब्याह कर लेंगा जदा ना बेरो पटाएगो अपा झूठा सरदार हाँ तो बनी बनाई गृहस्थी को नहीं उजड़ जाएगी यार। ओए सुने के गौर कर मेरी बात की। ओए सुने के मेरी बात है महंगी पड़ जाएगी। अरे बोला क्यों को नहीं? अरे डेंटती आगे मैं बाद में करूँ है। हाँ जी पूजा जी हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। चल बदमाश। हम तुम एक कमरे में बंद हो चल ना और चाबी खो जाए। क्या है तुम्हारे? हम चल। तुम एक कमरे में बंद हो। सत श्री अकाल जी। ये क्या हुआ? पूजा आई के पला। ए, मुंह लटका के क्या खड़ा है बोल देना। पूजा आई थी और थप्पड़ मार के चली भी गई। पूजा पूजा बेटा क्या हुआ क्यों रो रही हो? पूजा कुछ बोलो तो सही क्या हुआ है? पूजा निहाल क्या बात है? पूजा क्यों रो रही है? पता नहीं दादी मुझे कहा कि आपसे जरूरी बात करनी है। स्कूटर में पार्क कर ही रहा था कि इतने में शायद तबीयत खराब हो गई होगी। अब पूजा जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। निहाल तुम क्या समझते हो तुम हमें धोखे पर धोखे देते जाओगे और हम सब चुपचाप सहन करते जाएंगे? धोखा? चुप रहो ज्यादा मत बनो। ये सब क्या हो रहा है पूजा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूछो दादी से कि कितना पढ़ा लिखा है और अगर पढ़ा लिखा है तो हमारे यहाँ मामूली से नौकरी करने का क्या मकसद है? बोलो अपनी पढ़ाई छुपाने का क्या मतलब है? ये सब क्या है निहाल? अरे ये फरेबी क्या बताएगा दादी मैं बताती हूँ। इन्हें हम सरदार समझ रहे थे मगर ये सरदार है नहीं। क्यों मिस्टर निहाल सिंह चौधरी उर्फ बिरानी सरदार द किंग ऑफ लाइफ क्या ये सच है निहाल? हाँ दादी। क्यों किया ये सब? हम लोगों के साथ इतना भद्दा मजाक किया क्या हम ही मिले थे तुम्हें?
दादी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना अब, और अब कहने को सुनने को बचा ही क्या है। पूजा एक Shut up and get out from here. I said get out from here. इश्क मेरा है तू जाने ना, तू जाने ना, तू दे बता पूजा रेखा, तुम कब आई? मैं तो कब की आ चुकी हूँ, पर मुझे लगता है तू यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या है, वो तो मुझे सब मालूम है यार। नहीं यार, बस मन नहीं लग रहा। ओ मन लगेगा भी कैसे, निहाल जो नहीं है। यार निहाल, एक बात तो है निहाल में, उसने थोड़े ही दिनों में सबका दिल जीत लिया ना। और तुझे पता है आजकल तो कॉलेज में भी उसी की चर्चा होती रहती है। बंदा था बड़ा मस्त। मुझे उसके नाम से नफरत है। मत करो उस डोंगी की बात। अरे इधर देख। अरे तू तो रो रही है। मैं क्या करूं रेखा, मुझे हर जगह वही दिखाई देता है, उड़ते बैठते सोते जागते बस वही दिखाई देता है रेखा। बस पूजा, बस बस बस, प्लीज बस कर, प्लीज मत रो, ले बैठ। मुझे एक बात बता, जब तू उसे इतना प्यार करती है तो उसे यहाँ से जाने को क्यों कहा? हाँ अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब तेरी ये हालत है तो उस बेचारे की क्या हालत होगी। बेचारा माय फुट, शादीशुदा है वो। शादीशुदा? हाँ, उस दिन पाला फोन पे बोल रहा था कि हमारी शादी वाली बात एक न एक दिन सबको पता चल जाएगी। सो चल गई। शादी वाली बात? ओ अच्छा अच्छा। अरे पगली, वो कोई शादीशुदा नहीं है। वो शादी वाली जो बात है ना, वो बात, एक सेकंड, तू भी ना नानी क्या क्या सोचती रहती है। ये देख देख, अब तो पता चल गया ना कि वो बिरानी सरदार क्यों बने थे। पर उन लोगों को यहां झूठ बोलने की कहां जरूरत थी। देख पूजा, कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो जिंदगी जीना सिखा देते हैं, और कुछ झूठ ऐसे भी होते रेखा जो जिंदगी भर रुलाना सिखा देते हैं। देख अगर समय रहते तूने निहाल का हाल नहीं जाना ना, तो जिंदगी भर हाथ मलती रह जाएगी। हाँ मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, देखो जो करना है कर। आज की बात मेरे सामने उसका नाम मत लेना। पूजा बिना क्यों
हाँ रेखा, अब तू कहाँ है? तू जल्दी आ, तेरे से कोई अर्जेंट काम था। हाँ सब ठीक है, बस तू जल्दी आ। उसके गांव का रास्ता तो जानती है तू? भैया आगे से राइट साइड लेना है, फिर सीधे ही चलना है। पूजा बात क्या है, बता तो सही। रेखा आज निहाल की शादी है, पाला का फोन आया था। बोलो। पाला जी मैं पूजा बोल प, 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 पूजा जी मैं पाला बोल रहा हूँ। कल निहाल की शादी है, अगर आप निहाल से प्यार करती हो तो प्लीज ये शादी रोक लो। शादी? निहाल के घर वाले ये शादी जबरदस्ती कर रहे हैं पूजा जी। निहाल आपसे बहुत प्यार करता है पूजा जी, प्लीज ये शादी रोक लो। कोई आवा पूजा जी, मैं फोन रखता हूँ। पर सुनो, मुझे ये शादी किसी भी हालत में रोकनी है रेखा। मैं निहाल से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। पर तू तो कह रही थी ना कि मुझे कोई परवाह नहीं है। वो सब झूठ था। अच्छा, तो मतलब तू भी झूठ बोलने लगी है? दादी से भी झूठ बोला कि मैं और रेखा 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। दादी को पता चल गया तो? वो सब बाद में देखा जाएगा। लो निहाल के गुण आने लगे हैं। घर में तो शादी जैसा माहौल लग ही नहीं रहा रेखा। लगता है ये निहाल का घर नहीं है, हम कहीं और आ गए हैं। चलो चल के पूछते हैं। हाँ भाई। हाँ बोलो बेटा। जी ये बोलो। जी ये निहाल का घर है। हाँ निहाल का घर तो यही है, बोलो। जी वो निहाल की शादी। निहाल की शादी तो होगी बेटा। जी निहाल की शादी तो 2 दिन पहले ही होगी। कौन है वो? भाई जानू तो मैं हूँ को नहीं। ए, 2 छोरियां आई है, न्याल की शादी में आई हैं। पर न्याल को ब्याह तो हो गयो नी? आई तो मैं कहूँ न्याल को ब्याह तो हो गयो। अच्छा थे कटू आई हो बेटा? हम जोधपुर से हैं आंटी जी। अच्छा अच्छा आओ आओ अंदर आओ। नहीं नहीं आंटी जी, फिर कभी। चले पूजा। हाँ हाँ अरे पूजा जी आप, आप रेखा जी आप कब आए? शादी में आए हैं आपकी, पर लेट हो गए। सॉरी पूजा जी, वो सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि समय नहीं मिला। अरे नमस्ते करो, पूजा जी हैं जोधपुर से। शादी मुबारक हो निहाल। चले रेखा। ठहरो। Thank you.
दादी तुम यहाँ? निहाल की शादी में आई हूँ बेटा। पर तुम तो तीर्थ जाने वाली थी ना? हाँ तीर्थ जाने वाली थी, पर उसी दिन निहाल का फोन आ गया और फिर मैंने सोचा कि इतने दिन साथ रहा और फिर उस दिन उन दोनों को निकाल कर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा शादी में हो आती हूँ। पर तुम दोनों यहाँ कैसे? वो दादी पाला का फोन आया था कि निहाल की शादी है, पर जल्दी जल्दी मैं समझ नहीं पाई कि शादी हो गई या फिर है, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा हुआ, निहाल भी सोचेगा शादी में आए, पर जरा देरी से ही सही। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं, चलते हैं। पूजा चले? नहीं नहीं, मैं की नहीं जानू, अब आए हो तो खानो खा के ही जाना पड़ेगा। हाँ चलो, नहीं चलो। नहीं ऐसी तो कोई बात ना ना जी, पहली बार हमारे घरे आए हो, खानो खाए बिना कौन जाने दूं। चलो चलो चलो। वॉशरूम पीछे की तरफ। पूजा चलो। कोई बात नहीं, प्लीज चुप हो जा। रेखा सब कुछ खत्म हो गया, रेखा अब कुछ बाकी नहीं रहा। बस पूजा बस, प्लीज मत रो, प्लीज मत रो। कोई बात नहीं, प्लीज पूजा, चाय ठंडी हो रही है। आई दादी, बस बस चल पूजा, बस चल। सही है जी। हाँ जी हाँ जी। रेखा मुझे तो अब तीर्थ पे जाना है और तुम दोनों को जोधपुर जाना है, तो अब क्या किया जाए? मैं क्या बताऊं दादी? आप ही कुछ बताएं क्या करें। मैं तो क्या बता सकूं जी ये बारे में? आप तो कुछ बता सकती हैं। अब मन के बेरो निहाल, अब तो बेटा तू ही कुछ बता कि क्या करें। अरे मैं क्या बताऊं दादी, अब आप ही जानो। क्यों पाला? पाला नहीं है। अरे हाँ पाला बताएगा कि क्या करें। अरे पाला। हाँ दादी, तीर्थ करना चाहिए। पाला तुम? हाँ मैं नहीं, रेखा। मैं नहीं नहीं, मैं नहीं, निहाल। अरे मैं नहीं, दादी। अरे दादी क्या, दादी दादी क्या, ये सब क्या हो रहा है? दादी ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तीर्थ हो रहा है बेटा। तीर्थ? हाँ पूजा, मैंने कोई 60 साल कव्वे थोड़ी उड़ाए हैं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम और निहाल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, तुम दोनों की शादी करवा दूं, इससे बड़ा तीर्थ और क्या होगा बेटा। दादी वैसे रेखा पाला भी बुरा लड़का नहीं है। ये है जी अपना कोठा। फिर से कोठा? लड़की को कोठा बताते हुए शर्म नहीं आई? अरे
बहादुर तू? बहादुर नहीं, जान की बहादुर नाम है मेरा। अब देखिए आप ये घर में रहवागा बिंदनी आ गई। रामारी अच्छी सुनी, इतनी सोनी बिंदनी आई है। गुतकारो गाली है। सरदार की रानी आया दे, सरदार की रानी आया दे, मैं सरदार की रानी आया रे, मैं सरदार की रानी आया रे। यारों को बोला है उन मेरा गोला है, कुछ भी हो शादी करवानी है मुझको वाद रे। आया मैं शादी करने बच्चों से जो